एक नंबर दिया नहीं चाहिए मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदमी मिल गया मैं तुम हम ये मौसम ये रात चुप है मोहब्बत की बात चुप है खामोशी चुराने लगी ये नजर बन गई है दिल की जुबान तुम हम जानो न हम तुम जाने मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर यार वापस से तो ताली बजा दो एक बार आई प्रेजेंटिंग टू यू ऑन स्टेज चिंकी मिंकी मेबी यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट हाय एवरीवन Chinky Winky right here. Who is Chinky? Who is Chinky? Who is Winky? बहुत ही सही जवाब दिया उन्होंने मुझे. हाँ, who is Chinky? Who is Winky? ये पहले हिंदी में पूछो यार. Who is Chinky? आप अच्छा आप में से Chinky कौन है? आप में से Winky कौन है? मैं Chinky और Winky है. क्या? अब आपको हमसे चीज पूछे एक्चुअली आप सब लोग हमसे पूछो कि चिंकी मिंकी आप लोगों ने खाने में क्या खाया ओके 3 2 1 चिंकी मिंकी आप लोगों ने आज खाने में क्या खाया सबने नहीं पूछा ओके यस वंस अगेन गाइस यार इतनी एनर्जी तो लाओ यार चिंकी मिंकी को बुला के स्टेज पे कम से कम अपना उत्साह तो दिखाओ तो एक साथ चलेंगे 3 2 1 गो थैंक यू चिंकी मिंकी जोरदार तालियां हो जाए चिंकी मिंकी के लिए एंड योर मास्टर इज हियर सॉरी एक अच्छे काम के लिए थोड़ा मेहनत तो लगती है आपको इंतजार करना पड़ता है मैं सामने आ गया हूँ अभी हेलो तो सबसे मिल चुके हैं यहाँ पर सब लोग बैठे हैं और भी लोग यहाँ पर बहुत पहुँच चुके हैं अरे जटाले का मल्होत्रा भी यहाँ पर आ गए मिस इंडिया पर इतने सारे मिस इंडिया एक एक छत के नीचे समझ में नहीं आ रहा था तो अभी और कौन और भी है क्या पीछे गेस्ट जैस्मिन तो स्टेज पर नहीं है ना एक बार आ जाए सर तुझे कोई बात नहीं तुमने इतना अच्छा काम किया है ये इतने अच्छे अच्छे काम किए जो भी स्टेज पे आ रहा है अच्छा लगना चाहिए चिंकी मिंकी तो आ गए जैस्मिन को आप जानती होंगे जैस्मिन भी बहुत सारा ये अंकिता है ये विशन ग्लोर का भी शो था उसमें काम करती फिल्म में आपने इनको देखा होगा आप भी आ जाइए शक्ल दिखा लीजिए अपनी वो जदाली का मल्होत्रा है ये भी ट्यूसडे फ्राइडे में थी बहुत सारा काम करने वाली आप भी आ जाइए स्टेज पे और चिंकी मिंकी है ये सब लोग तो आए गए हैं और कौन है बीच मैंने कहा आप सबसे मिल भी लो बीच मेरी बारे बोलने के कुछ बोलना है इधर थैंक यू तुम्हारे कुछ बोला है कुछ बोले ये शर्मा आ रही है मनोज बस्ते के पास लगा अब क्या बोले हम हाँ तू फिर मनु बुला लेता उसको
मुकेश छाबड़ा ने वर्कशॉप करो तो शर्म निकल जाएंगे। इतने सारे लोगों को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्लीज अपने लिए ताली बजा रहे हैं आप सब लोग यहाँ पर आए। दिस इज ग्रेट, दिस इज फैंटास्टिक। थैंक यू भाई, हमें यहाँ पे मौका दिया। इतने सारे लोग तो एक साथ कभी नहीं देखे मैंने। पर अभी बने में भी रुबान से तो हाँ, कम आ जाओ प्लीज। तो बाद माइक एक बार माइक वहां पे पहुंचा दीजिए। तो थोड़ी देर के अभी शुरुआत करते हैं। प्लीज आप थोड़ा शांत हो जाइए। एक कभी बीच में चला जाए, एक माइक और लेके चला जाए ताकि लोग सवाल पूछ सके। बहुत सारे सवाल होंगे आपके पास, बहुत सारी क्यूरियोसिटी होगी जो माता था पूछ सकते हैं। हाँ, ये निकाल मुझे दे दीजिए भाई, ये भाई मान लीजिए। हाँ, पहली तो बात आई एम वेरी सॉरी गाइस, आपको बहुत वेट करना पड़ा। एंड दूसरी बात आई एम वेरी हैप्पी कि आप सबसे मिलिए और आपके बहुत से सवाल होंगे जो आपको हमेशा लगता है कि कास्टिंग प्रोसेस, कास्टिंग एक्टिंग, सैडनेस ऑफ डिसिटी क्या करना चाहिए, जैसे सवाल है आप सब। तो मुझे मिलने के लिए आए, सवाल पूछने के लिए आए, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जो जिस काम की वजह से मैं यहाँ पर हूँ वो काम इसलिए मैं सक्सेसफुल हूँ क्योंकि आप सब एक्टर नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं होता। क्योंकि अगर नया टैलेंट मुझे नहीं मिलता तो शायद मुझे कोई पूछता भी नहीं, बट राइटर मुझे काम नहीं देता क्योंकि मैं टैलेंट इसलिए भूल पाता हूँ कि मेरे शायद क्योंकि हिंदुस्तान में इतने टैलेंट है। अगर टैलेंट नहीं होता तो मैं कहाँ से भूलता, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पे अरे भैया बहनों माओ दीदी मीडिया सब शायद, अरे भैया अब यहाँ पे कोई बात नहीं करेगा, मेरे बारी है आपसे पूछ। हाँ जी माइक देखेंगे जोर से पूछ। हाँ माइक बजा दो वहाँ तक भाई। हमारा प्ले 8 बजे, हमारा प्ले 8:30 बजे शुरू होगा और आराम से आधा घंटा है। आपके जितने भी सवाल है पूछ लीजिए, सवाल कोई भी बुरा नहीं होता, जवाब बुरा हो सकता है। हाय, मेरा नाम शारिक कुरैशी है और सर मुझे मुंबई आए 2 महीने हो गए। हाँ, तो ये सवाल दिया और कंफ्यूजन भी है, शायद आप क्लियर कर दें। जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक चीज सबने बोली, पहले तो माइक रख ले, हाथ में हटा दे, मास्क पूरा करके माइक पर आराम से 2 महीने बाद, 2 महीने के अंदर मुझसे मिलियो और कहते हैं से एक्टर बन जाते ना तो बॉम्बे में इतने सारे लोगों के इतने सारे रिश्तेदार हैं, उसके बाद स्टार बन जाते, पता भी होता वो सब। भैया एक्टिंग के सामने में कुछ नहीं चलता, जब आप सोशलाइज करते हो, पार्टी करते हो, उसका कुछ मतलब नहीं होता। ये सब ऐसी बातें हैं जो बॉम्बे में लोगों ने फैला दी है, उस चीज़ों से बचो, अपने क्राफ्ट में काम करो, थिएटर में काम करो, माँ बाप को प्यार करो, बाकी खुशी रखा बॉम्बे में। किसने बोला तेरे को 2 महीने में तूने इतनी सारी एडवाइस सुन ली? बॉम्बे की प्रॉब्लम है, हम सुनते बहुत है, तूने 2 महीने में इतना कुछ सुन लिया, नेगेटिविटी दूर कर देगा ना बेटा, कुछ रहेगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी। सर ये दूर करने यहां आए हैं। हां तो तू मैं बैठा हूं ना, मैं सामने तो बोल रहा हूं, नहीं होता। हां हेलो, हां जी नमस्कार सर जी, आई एम मोहन सिंह दिस, मैं दिल्ली से आया हूं। मैं सर एक चीज पूछना चाहता हूं, जो जब भी हम ऑडिशन के लिए जाते हैं तो वो जो यू माइंड स्पीकिंग हिंदी सो दैट एवरीवन अंडरस्टैंड, आई आई विल बी सो I
सो मैं गाती हूँ, आई एम अ सिंगर, मैं मैसू वो कुछ गाती हूँ, एक्टर भी हूँ एंड डांसर भी हूँ, कथक विशारद मैंने किया है. मेरा आपसे ये सवाल है कि आई एम अ वेस्ट वोकल वोकलिस्ट, तो इंग्लिश एंड हमें हम सबको पता है एवेंजर्स एंड इंग्लिश मूवीज का बहुत सारा ट्रेंड है, लोग देखते हैं इंग्लिश मूवीज. सो डू यू थिंक इंडिया एज अ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री will produce some English movies and that will be a great gift for... No, I'm not talking about the whole world. No, but as a regular thing, we're going to be in the standard of Indian and Malaysia. So it's not good. And look, bade hue hain Govinda Mitra sir ko dekh ke aap to kaam karta hai. But you're not talking about it. Aisa bilkul, are hamari zindagi हमारी जिंदगी उस समय गुजरी है जहाँ पे राम लखन ने मुझे जरूरत एक ऑपरेशन के हमारे हिंदुस्तान बहुत है. अरे भाई तो बड़ी बड़ी फिल्में सस्ती तरह से बड़े बड़े फिल्में का हिंदुस्तान से निकले हुए हैं. महाराज के हूँ, मेरा नाम काना काना जी है और मैं एक्टर लोग को कहना चाहता हूँ ये टैलेंट कलाकार के अंदर टैलेंट होना जरूरी है. सिर्फ टैलेंट होना ही जरूरी है और ये मोट है. मैं आपका ऑनलाइन लेके कलाकार सीख गया हूँ वर्ष का. अभी मैं 6 महीने से मुंबई में रहा हूँ, होटल में रुका हूँ. तो मैं देखो मेरा ऑफिसर हुआ है, मैं बोल नहीं पा रहा था. मैं फिल्म इंडस्ट्री में कॉमेंट्री एक्टिंग करने के लिए मैं हर जगह के वॉलंटियर के लिए जाता हूँ. बहुत सारे आपके वहाँ के खाने इन्फ्लुएंस है, वॉलंटियर नहीं मिला. मैंने पहले तो ये सगल वर्ड बोलना बंद कर दिया कि हम सगल हम नहीं है. प्रोसेस प्रोसेस हम सब प्रोसेस के अंदर है. देखो हमारी प्रॉब्लम पता क्या है, जब तक हम पॉपुलर नहीं होते हम अपने एक्टर नहीं बनते. एक्टर तो हम अभी से हैं, हम सिर्फ पॉपुलर होने का इंतजार कर रहे हैं. एक्टर तो हम सब है, तो सगल बोलना बंद कर दो. सबसे खतरनाक बात है डिप्रेशन, सैड, सगल, ये 3 वर्ड बोलना बंद कर दो. ओके सर, थैंक यू. मेरा क्वेश्चन था सर, मुंबई में इतने सारे शोज होते देखो जब शुरू शुरू में लोग बोलते थे ना कि यार नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आंखों में कोई बात नहीं है. जब वो पॉपुलर हो गया, प्रूव हो गया तो बोलते हैं क्या आंखें. तो ये शहर ना पल पल में अपनी स्टेटमेंट बदलता रहेगा, आपको टैलेंट पर ध्यान देना चाहिए. ओके थैंक यू सर. हेलो सर. जी जी हेलो सर, गुड इवनिंग. हां सबके पास इधर भी एक एक ही माइक है क्या? हां बेटा हेलो सर, गुड इवनिंग. मेरे आगे जो लड़का था उससे तो अभी था ना. यस सर. हां हेलो सर, गुड इवनिंग. पहले सब आपको एक सेकंड चले तो जाओ. हां थैंक यू सर, आपने इतना सा ऑर्डर दिया. एक सेकंड, यहाँ पे चुप नहीं रह सकते हो क्या? चुप नहीं रह सकते हो क्या? सर थैंक यू, आपने इतने जो फ्रेंड्स आपने ऑर्गेनाइज किया दिल से सर, बहुत बहुत थैंक यू सर. मेरा एक क्वेश्चन है कि एस्टैडी जो एक्टर्स है उसका डेली रूटीन कैसे होना चाहिए? डेली रूटीन? यस सर. यस सबका ना अपना प्रोसेस होता है. कोई लोग एक्टिंग थ्योरी की बात करेंगे, कुछ किताबें पढ़ेंगे, आपका अपना अपना प्रोसेस होता है. बस सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने आप को क्रिएटिवली कैसे बिजी रखना है. मुझे तो हमेशा लगता है कि अगर आपके पास जब तक काम की तलाश में आप घूम रहे हैं तो आपको नाटक करते रहना कोई लग रहे हैं तो उनका मेन काम है एक्टिंग, वो नहीं करते हैं. सबसे अधिक गलती वो डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, अपनी ऑनेस्टी को भूल जाते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट है. गुड इवनिंग सर. हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर कोई भी एक्टर को अपने क्राफ्ट को पॉलिश करना रहेगा तो उसको थिएटर या फिर पहला प्रेफरेंस ड्रामा स्कूल को देना चाहिए. बेटा ड्रामा स्कूल, मैं बात बताऊँ हम ड्रामा स्कूल क्यों गए थे. जयदीप एस सी गए, मनोज भाई फिर में थे, नवाज एन एस सी गए, बहन सी मेरा, श्रीराम मेरा. मेरा एक ही पर्पज़ होता है कि आपको ना वो एक माहौल देते हैं जहाँ पे आप लगातार 2-3 साल तक सुबह से लेकर रात तक एक माहौल देते हैं. तो हम वो माहौल में रहने के लिए वहाँ जाते हैं. जैसे हम गुरुद्वारे जाते हैं तो आपको माहौल देता है, हम लोग आके बंद करके वहाँ बैठते हैं. तो जितने भी स्कूल्स हैं ना वो आपको सिर्फ माहौल देते हैं. काम करना है या नहीं करना है आपके ऊपर है. नहीं तो बहुत से लोग इंस्टीट्यूट भी जाए, इतने साल थिएटर भी किया लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं सीखा, आज भी घर पर ही खा रहे हैं. तो माहौल जाना चाहिए. माहौल में क्या सीखते हो वो आप घर पर रहकर भी सीख सकते हो, 10 लोगों के साथ भी सीख सकते हो. सब लोग वो एटमोसफेयर के लिए जाते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. थैंक यू सो मच सर. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई फॉर दिस इवेंट. एंड मेरा क्वेश्चन ये था मुकेश सर, मेरा नाम अभिषेक है, कि यू नो फिल्में पहले भी बनती थी और काफ़ी अच्छे एक्टर्स थे, ओरिजिनलिटी थी, सब्सटेंस थी, बट इन कमिंग टाइम
क्योंकि ये सब थोड़े लोग थे वहाँ पर, तो मुझे लगा कि सबसे आपको मिलवा देता हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत साल बाद आज यहाँ पर आई हूँ, और सच में आज वो वाला मुक्की याद आ रहा है, और उसके इतने चाहने वाले हैं, क्या बोलूँ, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा मुकेश इतना बड़ा ये बहुत शरारती था, बहुत ज़्यादा शरारती था, और अभी हम लोग बाहर यही याद कर रहे थे, क्योंकि मैं उसमें जॉब वाली थी उस वक्त, और ये लोग झूठे जागरण का चंदा मुझसे लेते थे रोहिणी के लिए और सबके झूठे नामों की लिस्ट बनाते थे, इन्होंने 10 रुपये दिए, 20 रुपये दिए, 50 रुपये दिए, आप क्योंकि जॉब करती हो तो आप 500 रुपये दोगे, और रात को शिवाजी स्टेडियम में इनकी दारू पार्टी होती थी। अरे उसी से तो हमने नकली ब्रांड के कपड़े खरीद के बम्बई में आए थे, सबू तो डायरेक्टर बन गया बम्बई में। यस 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 या अभी क्या कहूँ, बहुत ही बड़ा ओवरवेल्म्ड ये इमोशन है इस वक्त। मुकेश से तो डेफिनेटली हम लोग बहुत ही कनेक्ट रहे हैं हम सारे बैच में, और या लक्ष्मी जी ने बोला कि बहुत नॉटी और बहुत ही शरारती रहे हैं, काम भी करता था साले। और नहीं, काम के लिए तो मैं बोल सकता हूँ कि काम का जो डेडिकेशन, जो जिस तरीके की इंटेंसिटी जो काम में होनी चाहिए थी उस वक्त दिखती थी, और हमको लगता था कि अरे यार ठीक है कर रहा है तो अच्छी बात है, बट अभी समझ में आता है कि वो इंटेंसिटी जो उस वक्त थी वो इंटेंसिटी ही जो यहाँ तक पहुँचाई है इसको, तो उसके लिए हम सब बहुत प्राउड फील करते हैं, हम बोलते हैं कि यार मुकेश मेरा दोस्त है यार। सो ये हम सब के लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है, पूरे हिंदुस्तान में मुकेश छावड़ा को हर कोई जानता है, हर कोई नाम लेता है, सो कोई बोलता है मुकेश छावड़ा ओ यार मेरा दोस्त है वो एक मोमेंट बहुत अच्छा लगता है उस वक्त, और डेफिनेटली बहुत ओवरवेल्म्ड है, और अभी इतना ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो गए थे हम सब लोग एक साथ मिल के। सो आई लव यू मैन। ये सच के सच में दोस्त होते हैं, नहीं तो बॉम्बे में तो जब से कास्टिंग में हुए दोस्त ज़्यादा अपने आप पे बन के पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बिना एजेंडे के दोस्त होते हैं वो दोस्त होते हैं, बाकी तो शहर में सब एजेंडे के लिए दोस्ती करते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए शायद मैं बहुत दूर भागता हूँ लोगों से। मुझे लगता है कि दोस्ती दोस्ती होनी चाहिए, कि इसके साथ दोस्ती कर लो तो शायद काम मिल जाएगा, अगर ऐसा होता तो मेरे पूरे खानदान में सब लोग एक्टर बन जाते, अगर रिश्तेदारी निभाने लगो थे शहर के अंदर। अनिल मजा आ रहा है भाई तुम्हें देख के, तेरी मुझे देख के मुझे मजा आ रहा है। हेलो मायसेल्फ, सब मेरे पे गए। अभी मुकेश ने बोला था कि मैं घटिया एक्टर था, घटिया एक्टर नहीं था, ओके था, पर डांसर बहुत अच्छा था और सिंगर भी बहुत अच्छा था, तो मैं एक बार वो गाना सुना दो, गोरे गोरे मुखड़े में सोने का बाला। अरे अभी तक यार मुझे खुद ही भूल गया था। अंबर, अंबर बहुत ही कमाल का राइटर है, बॉम्बे में राइटिंग भी करता है, और ये इसका नाम भी अंबर करता है, काफी खूबसूरत है। नहीं खूबसूरती तो ये सब तुम्हारी देखने की जगह है। ये वो रिश्ते होते हैं जो बै से तू तड़ाक से यार कैसा है वो, ये रिश्ते ही जो हैं ज़िंदगी के बहुत अहम और बहुत अजीज रिश्ते होते हैं। उसके बाद लोग आते हैं, प्रोजेक्ट वाइज आते हैं, मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, एक प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरे प्रोजेक्ट से तीसरा प्रोजेक्ट, लेकिन ये जो 20 साल बाद जो याद आती है है, और अभी इसके बाद डेट नहीं होती, टाइम नहीं होती, 3 घंटे से मेरे साथ यहाँ पर है, मेरे लिए खड़ा है। आई लव यू एंड लव यू टू। और कॉन्शियस मत करो लवी भाई, कमांडो का डायलॉग बोलो, पैसे लेने लगा हूँ उसके लिए। नहीं एक बात जरूर कहूंगा जो मनोज अभी मुकेश ने कही थी, यहाँ के हम एक्टर्स ना ईमानदारी भूल जाते हैं अपने आप से, दूसरों से करो ना करो उससे फर्क नहीं पड़ता है।
आपको अपना सच बताया कि आप कितने ईमानदार एक्टर हो अपने क्राफ्ट को लेकर, उसको मत छोड़ना क्योंकि उससे बहुत जल्दी भटकाव आता है। क्योंकि आप दूसरों को देखते हैं कुछ और करते हुए, जिम जाते हुए, करो ऐसा अच्छा है, यही इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारे पास। कैमरा नहीं होगी, बटन दबाए 24/7 पर चलने लगोगे। शरीर अच्छा रखो क्योंकि जनरली एक्टर्स के दिमाग में भी ये भर देते हैं, वो थिएटर वाले हैं, वो जिम वाले हैं। नहीं, एक्टर एक्टर होता है, अपना शरीर का ख्याल नहीं रखोगे तो भड़बड़ा जाओगे 10 साल में, लोग नहीं देखेंगे। तो आप ईमानदार रहो अपने लिए, क्राफ्ट के लिए, बाकी हो जाएगा। थैंक यू। और खुश रहो, खुश रहो। ये स्ट्रगल होता है ना, ये तब होता है जब आपके मन का काम नहीं होता। कौन ऐसा आदमी जो अपने मन के काम में खुश नहीं रहता, उसको स्ट्रगल लगता है। आपको जबरदस्ती कोई काम करवाया जाए तो आपको लग जाता है कि वो स्ट्रगल होगा। आप खुद आए हो तो किस बात का स्ट्रगल है? वहां रहते तो वहां भी तो यही होता ना। बाय गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। हाँ जी भाई सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि घर वाले सर मुझे मतलब कि डिमोटिवेट इस तरह करते हैं कि एक्टिंग छोड़ दो, ये सब मत करो बेटा, मैं क्लासेस मत जाओ। मैं समझ गया तेरी बात, मुझे पता है हर घर वाले ना, मैं बता रहा हूँ, माँ बाप ना हर बच्चे के लेके चिंतित होते हैं। क्योंकि आप अपने घर पे जाके ना रोज ऐसे बात करोगे, मम्मी मेरा कुछ काम नहीं बन रहा, उदास साउंड करो, घर वाले तो बोलेंगे बेटा घर वापस आना। आप जितना एक्साइटमेंट से खुशी से माँ बाप से बात करोगे ना, उनको लगेगा बच्चा खुश है, आपकी एनर्जी को देख के वैसा जवाब देते हैं। अगर आप उनको बोलोगे कि मेरा कुछ काम नहीं मिल रहा बेटा, क्या मम्मी आज ऑडिशन पे गया था कुछ काम नहीं बना, तो उनको लगेगा मन में वो तो चाहते हैं कि तू खुश रहे, इसलिए तुझे वापस बुलाते हैं। अगर तू जो उनको एनर्जी से बोलेगा ना, जब मैं जब बॉम्बे आ रहा था तो मैंने पापा को बोला बेटा बॉम्बे जा रहा, मैंने कहा हारूंगा नहीं, मैंने जा फिर। अगर आप जितनी उदासी से टेंशन घर वाले से बात करोगे ना, घर पे बुलाएंगे, तो माँ बाप है उनका चिंता करना बहुत लाजमी है यार, इट्स ओके। लेकिन अगर तू अपनी एनर्जी तो उनको कॉन्फिडेंस देगा तो तुझे और सपोर्ट करेगा। हेलो सर, कोई नहीं होगा सर, मेरा ये मानना है सर। यार एक बात बताओ। यस सर। ये डिमोटिव सैड डिप्रेसिव मत, तुमको बताता कौन है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि अभी तो हमारी उम्र ही क्या है। यस सर। वो केएफसी वाले ने 74 में अपना केएफसी शुरू किया था भाई। यस सर। तुम काहे को डर रहे हो? अभी तो उम्र ही क्या है। यस सर। अभी तो लड़के बनने की उम्र। थैंक यू सर, थैंक यू। एक्टर कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हैं, मैं बहुत समय से पीछे 6-7 साल से सुन रहा हूं। जी, क्योंकि बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर आ गए जी, मुझे लगता है कि सबको ना सर्वाइव करने की जरूरत होती है। नहीं सर, वो क्वेश्चन फाइनलाइज कौन करता है? फाइनलाइज उनके ऊपर जो उनका बॉस बैठा है। जी जी, वो करता है, जो कि मैं हूँ। जी जी। हेलो सर, जो मैं हूँ और जो आपके से सवाल को और क्लियरिटी से करते हैं कि जैसे उन्होंने पूरा दुनिया जीत ली, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअल डिपेंड करता है। मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं जो 10-10, 12-12, 8-8 साल से हैं, वो उसी तरह से मेहनत से काम करते हैं। कुछ लोग आते हैं 1-2 साल में कास्टनेट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबकी अपनी मुझे जर्नी है। मुझे ये जानना कि तुझे उन लोगों को नहीं देखना, तुझे उन लोगों का देखना है जिससे तुझे अच्छा लगता है। बुराई देखेगा तो बुराई देखेगी, अच्छाई देखेगा तो अच्छाई देखेगी, तो रात में जाओ तो देखना। हेलो सर। जी हेलो सर। हेलो सर, मेरा नाम सर। हाँ बेटा बोलो ना, सुन रहे हो? मेरा नाम मोहम्मद साबिर, मैं कोलकाता से हूँ। शुक्रिया साहब। मुकेश साहब देखिए, सबके बिहाफ पे एक प्रश्न पूछता हूँ कि यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में बैलेंस ऑफ माइंड इक्वेशन की बात क्या करते हैं बच्चन साहब, फलाने जो लोग अभी तक चल रहे हैं सालों से, व्हाट इज द स्टेट ऑफ बैलेंस इक्वालिटी और इक्वानिमिटी का, जो आपको जिसने आपको जिंदा रखा है और आज जो आप इतने एक एक प्रतिदिन काम करते जा रहे हैं, हर एक फील्ड में हर एक डिपार्टमेंट का वन मैन शो है, आप सब पे नजर रखे हुए हैं, कभी मुंबई में कभी भाई इसको काम ये सौंपना है, सबके ऊपर जो आपकी है, तो व्हाट इज दैट बैलेंस ऑफ माइंड? मुझको तो इतने लोगों को देख कर ना हंसी आती है ना कम आता है। इज दिस द वंडरफुल बैलेंस ऑफ माइंड कि ना मैं ज्यादा हंसता हूँ ना मैं रोता हूँ? इन सबकी हालत देख के जो आपके दिल में महसूस होता है कि इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों को हर दिन प्रतिदिन बाहर आके गेट पर भी मिलते हैं, इनसे इतने आप हम्बल है, आप अपने कैरियर के खिलाफ इतने सीरियस है, लोग वहाँ पर सोशलाइज कर रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं, लेकिन आप अपने काम में मशरूफ है, कितना पैशन, कितना एक आदमी
इतना पैसा और कोई क्या कोई इश्क आपके आप आपके जाने के बाद आपका इतना सारा ज्ञान, कोई आपने चेला बनाया है, इतनी सारी संपत्ति किसको देके जाएंगे आप? कोई आपका चेला है? मेरी जो अगर, मेरी जो समझ गए, मेरी जो संपत्ति